Hello everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's class. Today we are going to talk about genetic code. Genetic code पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने previous videos में cover किया है topic that is transcription. और उस समय मैंने आपको बताया था central dogma of molecular biology के बारे में. Central dogma में आप cover करते हैं transcription and translation. So, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सेल में, अल्टीमेटली उसका क्या फंक्शन होता है? अल्टीमेटली वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. अल्टीमेटली उसका एक ही काम है, प्रोटीन बनाना फॉर वेरियस फंक्शंस. ठीक है, तो वो प्रोटीन ये किस तरीके से बनाता है, वो जो मैसेज डीएनए पे होता है वो किस तरीके से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. सो जो जेनेटिक कोड है, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दैट जेनेटिक कोड इज अ बेसिस और न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए सेगमेंट. और आप जीन भी बोल सकते हैं. तो ये जो जेनेटिक कोड होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए या जीन पे, और उस वो जो होते हैं या फिर वो बेसिस हो सकते हैं या आप उनको न्यूक्लियोटाइड कुछ भी बोल सकते हो. तो ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये सेल के अंदर होते हैं. तो सेल इज हैविंग सम इंफॉर्मेशन ऑन डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये कौन से मैसेज है डीएनए के ऊपर, वो किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, वो किस तरीके से प्रोटीन बनाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक कोड. तो जेनेटिक कोड जो है वो बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, विच इज हैविंग मैसेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो ये जो बेसिस होते हैं इनके पास मैसेज होता है फॉर असेंबलिंग अमीनो एसिड्स ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन. सो ये जो जेनेटिक कोड है इनके पास मैसेज होता है जिससे वो अमीनो एसिड को एक के बाद एक प्लेस करके पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड. इट इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और यू कैन से बेसिस ऑन डीएनए टू मेक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन, यही चीज मैंने आपको नीचे भी बताई है. सो हम जेनेटिक कोड को ये भी बोल सकते हैं दैट इज इट इज क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप किसके बीच में, जो न्यूक्लियोटाइड और बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में एंड जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन में, उसके बीच में जो रिलेशन बनाता है दैट इज जेनेटिक कोड. सो अगर मैं यहाँ पे एक डीएनए सेगमेंट बना रही हूं, सो डीएनए सेगमेंट इज हैविंग बेसिस ऑन इट fine, this DNA will form mRNA. So जब mRNA बनता है तो mRNA पे sequence क्या होगा, this should be T क्योंकि DNA है. So A का जो complementary base pair होता है mRNA पे क्या होगा, वो A. T का opposite will be U. As you know DNA में AT GC प्रेजेंट होता है एंड mRNA में AUGC प्रेजेंट होता है. सो AUGC AAUCU ये हो गया जो ये सेगमेंट हो गया इसका ट्रांसक्रिप्शन के बाद वी गॉट mRNA और mRNA पे नाइट्रोजनस बेसिस की ये सीक्वेंस हो गई.
अब अगर हम देखने जाएं, सो नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? दैट इज ओनली 4, ए यू जी सी. ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस, हम पहले आरएनए की ही बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन डायरेक्टली. लेट्स नॉट टॉक अबाउट डीएनए. सो अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं. फाइन, 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं. एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको अमीनो एसिड चाहिए वो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं. तो अगर हम ऐसा बोलें कि एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे हमारे पास सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, तो वो सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स बनाएगा. तो बचे कितने? 4 अमीनो एसिड मतलब 20 - 4, अभी भी 16 अमीनो एसिड बनाने हैं. वो कैसे बनेंगे? उनका मैसेज किसके पास है? तो ये जो थ्योरी थी कि वन बेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 अमीनो एसिड वॉज नलीफाइड. वो उसका कोई मतलब नहीं था कि अगर हमने ए बोला तो ए इज गोइंग टू मेक 1 अमीनो एसिड, यू दूसरा अमीनो एसिड बनाएगा, जी तीसरा अमीनो एसिड बनाएगा और सी चौथा अमीनो एसिड बनाएगा. सो अगर हम ऐसा देखें तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड बनते, बाकी 16 अमीनो एसिड्स का क्या? फिर दूसरी थ्योरी दैट 2 नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म 1 अमीनो एसिड. ठीक है, ये पहला हुआ. अब ये दूसरी थ्योरी कि अगर हम 2 नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन ले, तो अभी इसके लिए हमको मैथ्स का एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. ठीक है, उसको यूटिलाइज करना होगा. सो अगर हम देखें तो ए ए ए यू ए जी ए सी, फिर यू ए यू 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 जी यू सी. अगर हम ऐसा करके देखें तो टोटल सिर्फ 16 ही अमीनो एसिड बन सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 to the power 2, 4 क्यों? क्योंकि 4 नाइट्रोजनस बेसिस है और हम एक साथ 2 नाइट्रोजनस बेसिस को ले रहे हैं. सो द टोटल विल बी 16. तो ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन सिर्फ 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो 16 अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सॉरी 16 कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 16 अमीनो एसिड्स. अभी भी बाकी है कितने? 20 - 16, अभी भी 4 अमीनो एसिड का क्या? पहले वाले केस में 16 नहीं बना पा रहे थे और दूसरे केस में 4 अमीनो एसिड्स नहीं बना पा रहे थे. देन द थर्ड कॉन्सेप्ट हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस, जहां पे ऐसा बोला गया कि लेट्स टेक 3 नाइट्रोजनस बेसिस टुगेदर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 अमीनो एसिड. तो अगर हम ऐसा देखें तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो हमने क्या किया, 4 बेस पेयर्स हैं, 4 बेस टाइप के बेसिस हैं और हमने 3 का लिया, सो दैट विल बी 64. तो यहां पे हमको कितने कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं? 64 कॉम्बिनेशंस. 64 कॉम्बिनेशंस एंड कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड. सो देयर आर 64 कॉम्बिनेशंस व्हिच आर गोइंग टू मेक 20 अमीनो एसिड्स. ये जो फाइनलाइजेशन था कि एक अमीनो एसिड के लिए हमको 3 नाइट्रोजनस बेसिस, 3 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है, दिस वॉज गिवन बाय जॉर्ज गेमो इन 1954 एंड ही वॉज अ फिजिसिस्ट. तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ये सब जो था, इसके लिए बहुत सारे फील्ड के साइंटिस्ट आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिजिक्स, मैथमेटिक्स. सो फाइनली जो गेमो थे, जॉर्ज गेमो, ही वॉज अ फिजिसिस्ट और उन्होंने बताया कि जो एक अमीनो एसिड है उसके लिए यू नीड 3 नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे कि ए यू जी, ये हो गया
3 nitrogenous bases and they are going to make one amino acid named as methionine. ठीक है, methionine के लिए आपको ये 3 nitrogenous base pairs की जरूरत पड़ेगी. So this was confirmed. तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे codon. What is codon? Codon is made up of 3 nitrogenous bases या 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक कोडॉन बनता है. लेट मी राइट समवेयर हियर. तो मैं ऐसा लिखती हूं यहां पे, 1 कोडॉन इज इक्वल टू 3 बेसेस और 3 न्यूक्लियोटाइड. फाइन, तो अब पता चल गया, अब फाइनलाइज्ड हो गया कि जो डीएनए पे, जो mRNA पे ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, इसमें से जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 अमीनो एसिड, अनदर अमीनो एसिड एंड अदर अमीनो एसिड. तो अभी जो मैंने आपके सामने mRNA का सीक्वेंस बनाया है, इस सीक्वेंस से हमको 3 अमीनो एसिड्स मिलने वाले हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड. तो जो जेनेटिक कोड होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस और न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन. और प्रोटीन के अंदर यही जेनेटिक कोड है जो रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसिड के सीक्वेंस के लिए. सो फाइनलाइज हो गया कि 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो 3 नाइट्रोजनस नाइट्रोजन बेसिस या 3 न्यूक्लियोटाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 अमीनो एसिड. नाउ आफ्टर हिम, जॉर्ज गिमाओ के बाद, ये जो 3 साइंटिस्ट के नेम्स मैंने लिखे हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इंडियन, प्राउड इंडियन, मार्शल नैरनबर्ग एंड सेवरो ओके, ये 3 साइंटिस्ट थे. इन लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जो जॉर्ज ने बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है एक अमीनो एसिड्स के लिए. इन तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इसे प्रूफ किया. जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, उन्होंने लेबोरेटरी में आरएनए सिंथेसिस किया था. और लैब में आरएनए सिंथेसिस करने के बाद कि जब वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बेसिस की हेल्प से, तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया. मार्शल नैरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम मतलब उन्होंने एक लेबोरेटरी में ही बनाया प्रोटीन सिंथेसिस किया ऑन दैट बेसिस ऑफ कोडॉन्स. कोडॉन के बेसिस पे उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस किया, जिससे प्रूफ हो गया कि यस, ये जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं mRNA पे, दे आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग अ प्रोटीन. एंड हाउ दे आर मेकिंग प्रोटीन, दैट टू वाज एक्सप्लेन बाय मार्शल नैरनबर्ग इन हिज एक्सपेरिमेंट. सेवरल ओकायो ने जो उन्होंने एक्चुअली क्या था, इन्होंने एक एंजाइम को यूज करके आरएनए सिंथेसिस किया इन्होंने भी, बट ये जो आरएनए सिंथेसिस किया वो विदाउट डीएनए किया था. उन्होंने बिना टेम्पलेट के आरएनए सिंथेसिस किया एंड ही हैज प्रूव्ड अबाउट दिस जेनेटिक कोड. तो इन शॉर्ट, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर प्रूव कर दिया था कि जेनेटिक कोड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस के लिए जो प्रोटीन बनाता है. Now, next we are going to discuss about the characteristic of genetic code. Genetic code के characteristics बहुत important है, direct question board में पूछा जाता है, या जब मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से NEET MCQ में question पूछा जाता है related to the characteristics of genetic code. इन तीनों scientists का नाम रट जाना, because again very important for NEET MCQs. Fine, take a screenshot quickly and then we'll move to the next topic. Okay, so मैंने आपको बताया अभी कि ऐसे अगर हम permutation and combinations देखें, तो we are having 64 codons. Out of 64 codons, 61 codon codes for
अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड, बचे 3 कोड्स, 3 कोडॉन्स, जो अमीनो एसिड्स के लिए कोई मैसेज कैरी नहीं करते, ऐसे कोड्स को हम बोलते हैं नॉनसेंस। ये वर्ड आप बहुत फैमिलियर होगे, बिकॉज सुनते रहते होगे जब हम कोई काम नहीं करते या हम किसी काम के नहीं होते तो हमें ये वर्ड सुनाई देता रहता है। सो वैसे ही जब ये कोडॉन्स अमीनो एसिड के लिए कोई हेल्प नहीं करते, कोई मैसेज कैरी नहीं करते, ऐसे कोडॉन्स को हम नॉनसेंस बोलते हैं। ये जो कोडॉन्स हैं ये 3 हैं, वनस UAG, UGA, UAA, ये 3 ही नॉनसेंस कोडॉन्स हैं विच डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। सो देर आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ दीज कोडॉन्स, इट इज ओकर, एम्बल एंड ओपेन। दीज आर द 3 नेम्स ऑफ दीज कोडॉन। तो आप देख सकते हो इन दोनों में वेरिएशन सिर्फ इसका है, और यहां पे इंटर कन्वर्ट हो गए हैं बेसिस। सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दैट। नेक्स्ट जो है दैट इज 1 अमीनो एसिड, दैट मिथियोनिन इज 1 अमीनो एसिड फॉर विच AUG कोड्स। तो ये जो AUG है इसको हम इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं, बिकॉज कोई भी सिंथेसिस जब शुरू होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहला जो कोडॉन होता है दैट इज AUG, एंड दिस AUG इज हैविंग ड्यूअल फंक्शन। एक तो ये इनिशिएशन कोडॉन भी है और ये मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है। इसके अलावा एक और होता है जिसे इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं, GUG, विच कोड्स फॉर वेलिन। ये भी होता है क्योंकि हर जगह AUG प्रेजेंट हो हर एक प्रोटीन में जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है दैट सेल इज नॉट हैविंग AUG, एक्टिवेटेड AUG दैट टाइम इन दैट प्लेस, GUG विल एक्ट and it will start with the process, क्योंकि protein synthesis तो start होना ही चाहिए, ठीक है? तो वो start ये करेगा अगर AUG present नहीं होगा sometimes. Now let's talk about the characteristics. Characteristics में सबसे पहला कि जो ये genetic codons होते हैं ये universal होते हैं। Universal का मतलब चाहे वो बैक्टीरियाज हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, 1 अमीनो एसिड इज गोइंग टू कोड फॉर दैट स्पेसिफिक, 1 कोडॉन इज गोइंग टू कोड फॉर दैट स्पेसिफिक अमीनो एसिड। अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल, UUA इज गोइंग टू कोड फॉर फिनाइल एलेनाइन, ठीक है? फिनाइल एलेनाइन के लिए ये कोड करता है। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो बर्ड हो या चाहे वो फिश हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, दिस इज गोइंग टू कोड फॉर फिनाइल एलेनाइन ओनली। सो दिस इज वॉट मीन बाय यूनिवर्सल। सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल होता है मीन्स इट इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन इज नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस मीन्स स्पेसिफिक, इट मीन्स 1 कोडॉन codes for only 1 amino acid, 1 type of amino acid, जैसे कि AUG है, this is 1 codon, it codes for only
मिथ्योनिन, ठीक है, ये सब मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा, किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता। फिर अगर UUA है तो वो फिनाइल एलेनाइन के लिए ही कोड करेगा, वो किसी और अमीनो एसिड के लिए, वेलिन हो कोई भी, और दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता। सो दिस इज नॉन एम्बिग्यूअस। तो नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एम्बिग्यूअस नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल नॉन एम्बिग्यूअस है, इसका क्या मतलब है? सो इसका सिंपल मतलब है कि एक कोडॉन वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड कभी नहीं करेगा। दिस इज व्हाट मीन्स बाय नॉन एम्बिग्यूअस। थर्ड इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट इन नेचर का मतलब वन कोडॉन इज मेड अप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड और थ्री बेसिस, ठीक है। तो एक कोडॉन के अंदर तीन ही न्यूक्लियोटाइड या तीन ही बेसिस होते हैं, फॉर अ चेंज दो, फॉर अ चेंज फोर, फॉर अ चेंज फाइव नहीं हो सकते, सिर्फ तीन न्यूक्लियोटाइड ही होंगे, इसीलिए इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ इज नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि सपोज दिस इज यू ए जी जी सी ए, फाइन, सो दिस इज वन कोडॉन, दिस इज अनदर कोडॉन, दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर कोडॉन, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो हमको 5 अमीनो एसिड्स मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने कोडॉन्स प्रेजेंट है, 5 कोडॉन्स, 1 2 3 4 5 कोडॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए हमको 3 अमीनो एसिड मिलने चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि सपोज दिस इज कोडिंग फॉर 1 अमीनो एसिड एंड देन दिस विल कोड फॉर अनदर अमीनो एसिड सेकेंड, फिर GCC ये थर्ड अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो आप क्या देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 फाइव नाइट्रोजनस बेसिस कितने के लिए कोड कर रहे हैं, 2 अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। तो ये जो 2 कोडॉन्स है 1 एंड 2, इसमें जी जो है वो कॉमन है, तो दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग नहीं होती है कोडॉन के केस में, कोडॉन का जो फंडा है इट्स वेरी सिंपल, 3 3 का ग्रुप, 1 2 3 4 एंड 5, उसके अलावा ये 5 के अलावा 6 कोडॉन बन जाए, दैट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। तो 3 का एक ग्रुप होता है, दिस इज व्हाट मीनिंग ऑफ नॉन ओवरलैपिंग। सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले कैरेक्टर्स को बताती हूँ। फिफ्थ वन इज कॉमालेस, कि जब भी आप कोडॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क बिटवीन कोडॉन्स, ठीक है। तो जो कोडॉन्स होते हैं वो एक के बाद एक लिखना होता है, उनके बीच में कॉमा, फुल स्टॉप, स्लैश, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक कोडॉन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यूस मैनर में ही रीड करना होता है, कंटिन्यूस मैनर में ही होता है, विद नो फुल स्टॉप, नो स्पेस एंड नो पंक्चुएशन मार्क्स। नेक्स्ट वन इज AUG इज अ कोडॉन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इज हैविंग डुअल फंक्शन में एक तो ये इनिशिएशन कोडॉन है प्लस इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड मिथ्योनिन, ओके। नाउ लास्ट वन इज डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 64 कोडॉन्स होते हैं और 20 ही अमीनो एसिड होते हैं, तो ऑब्वियसली फॉर
one amino acid more than one codon codes. ठीक है, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन कोड्स करते हैं, तो एक से लेकर सिक्स तक एक कोडॉन्स जो होते हैं वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं. चलिए मैं आप लोगों को पहले टेबल बताती हूँ जेनेटिक कोड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद मैं आपको डीजेनरेसी वाला भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. एंड इसके अलावा एक और चीज आप कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं अबाउट द स्टॉप कोडॉन, वो जो तीन मैंने आपको बताया था, अम्बल, ऑकर एंड ओपल. तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप जब टेबल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से टेबल ड्रॉ कीजिए, फोर, एंड ये भी फोर होने चाहिए, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, फाइन, लाइक दिस. नाउ यू हैव टू राइट यू जी ए सी, यू जी ए सी, यू जी ए सी. इस तरीके से हर ब्लॉक में आपको यही सीक्वेंस मेंटेन करना है. ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं यू यू एंड यू, फिर इस पूरे ब्लॉक में आपको डबल यू लिख ही देना है ऐसे. ठीक है, ये और ये इस तरीके से लिखना है. उसके बाद इस सीक्वेंस में यू जी ए सी, फाइन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू जी, तो यू जी इस तरीके से चार बार लिख दीजिए एंड उसके बाद इन चारों सीक्वेंस को रिपीट करना होता है, यू जी ए सी, लाइक दैट यू हैव टू मेंशन, फाइन. सो अगर हम देखें तो ये जो पहले दोनों है ये फिनाइल एलेनाइन के लिए कोड करते हैं और बाकी के दोनों जो है वो ल्यूसिन के लिए कोड करते हैं. सो हाउ यू कैन सी हियर, डीजेनरेसी इज देयर. डीजेनरेसी मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स है, तो यहाँ पे यू 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 एंड यू यू जी दोनों फिनाइल एलेनाइन के लिए कोड करते हैं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द टेबल. बट वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दैट इस टेबल से ज्यादा क्वेश्चंस, इनफैक्ट नीट में क्वेश्चंस ही नहीं आते, सो डोंट बॉदर टू रिमेम्बर कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है. इससे बेटर है आपको याद रखना है कि कौन सा इनिशिएशन कोडॉन है, कौन सा टर्मिनेटर कोडॉन है या नॉनसेंस कोडॉन है. हम उसको नॉनसेंस या टर्मिनेटर कोडॉन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये जो प्रोसेस है शुरू करने के लिए कोडॉन है तो एंड करने के लिए भी तो कोडॉन होना चाहिए ना. सो जैसे ही ये तीन नॉनसेंस कोडॉन में से एक भी कोडॉन आया, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटर और नॉनसेंस कोडॉन. तो आप प्लीज बॉदर मत कीजिए. ज्यादा से ज्यादा आप कैसे याद रख सकते हैं कि सपोज देयर इज अमीनो एसिड ल्यूसिन, ल्यूसिन के लिए सिर्फ दो कोडॉन्स हैं, मिथियोनिन के लिए सिर्फ एक कोडॉन है, वैसे ही एलेनिन के लिए शायद तीन कोडॉन है. ऐसे टोटल नंबर्स यू कैन रिमेम्बर, बट स्पेसिफिकली कि यू 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 फिनाइल एलेनाइन के लिए कोड करता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. So this is all about genetic code which is having the message for sequence of amino acid on a polypeptide chain. And इसको बताने वाले एक physicist थे Gemow, George Gemow, जिन्होंने इसका बताया था कि there are three nitrogenous bases which are responsible for one amino acid. So hope you understood this topic. See you in the next video. Till then, take care. Keep smiling, be safe, goodbye.